विराट कोहली का हाल ही का एक आरसीबी पॉडकास्ट वायरल हुआ, जिसमें वो बात कर रहे थे कि उनकी कप्तानी में टीम 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेली, 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेली, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेली और उनको फेल कैप्टन माना गया। जिसके बाद कुछ लोगों ने इस बात पर विराट कोहली के साथ सिंपैथी दिखाई, लेकिन कुछ लोगों ने उनके इस बयान को आड़े हाथों लिया और कहा कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी तो टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। और इसके बाद ये कहा कि देखिए, आज के वक्त में क्रिकेट में 5-6 वर्ल्ड क्लास टीमें हैं, तो जब 10 टीमों का टूर्नामेंट है तो सेमीफाइनल तो आज के वक्त में आप पहुंचेंगे ही, सेमीफाइनल की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सेमीफाइनल से आगे आपने क्या किया, आप कितने टूर्नामेंट के फाइनल खेले वो भी तो बताइए। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम के साथ यही दिक्कत चली आ रही है साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से। हालांकि MS धोनी ने भी इस दौरान 2-3 टूर्नामेंट में कप्तानी की, तब भी ऐसा ही हुआ, सेमीफाइनल फाइनल। उसके बाद विराट कोहली कप्तान बने, सेमीफाइनल फाइनल। इसके बाद अब रोहित शर्मा कप्तान बने और यहाँ भी सेमीफाइनल। और 2022 का T20 वर्ल्ड कप देखकर कोई भी बता देगा टीम इंडिया को सेमीफाइनल तो पहुँचना ही था, लेकिन अच्छी टीमों के पास कैसा खराब प्रदर्शन रहा ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से किस तरह से जीते विराट कोहली की मास्टर क्लास ने इंडिया को जिता दिया, वरना इंडिया बाकी सभी अपने से अच्छी टीमों से, यूं कह लीजिए टॉप 5 टीमों से T20 वर्ल्ड कप में मैच हारी थी। और यही दिक्कत है आजकल इंडियन क्रिकेट टीम में, सुपर स्टार कल्चर इतना ज़्यादा है कि सेमीफाइनल पहुंचने पर ऐसा माना जाता है कि हम सक्सीड हो गए, हम तो सेमीफाइनल पहुंच गए। जबकि हकीकत तो ये है, जब आज के वक्त में क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास ही 5-6 टीमें हैं तो सेमीफाइनल तो आप पहुंचेंगे ही, और सेमीफाइनल को अगर आप अचीवमेंट मान रहे हैं तो ये यकीनन में आपके लिए, दिक्कत हो या ना हो, क्रिकेट फैंस जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।